पाली जिले में सर्वाइकल पेन और डायबिटीज के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इलाज भी लगातार खर्चीला होता जा रहा है, साथ ही लोग ऑपरेशन से भी परहेज करने लगे हैं। ऐसे में लोग पुरानी चिकित्सा पद्धतियों की तरफ लौट रहे हैं। इसी के तहत अब न्यूरोपैथी का चलन भी बढ़ने लगा है। आज के समय में हर रोग का उपचार संभव है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद अब लोग एक बार फिर पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का रुख करने लगे हैं। पाली में आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को नकारते हुए अब लोग आयुर्वेदिक और प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर विश्वास कर रहे हैं। पाली के इस रोग निदान केंद्र में घुटनों, कमर और पैरों के दर्द, सर्वाइकल पेन और डायबिटीज के रोगी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। कई ऐसे रोगी हमें यहाँ मिले जो न्यूरोपैथी के इस तरह के इलाज से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। जैसे मेरे ये जो दोनों पैर हैं, उनकी नर्व धड़ने से ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल बंद हो गया था कि मेरे को कुर्सी पे बिठा के यहाँ से वहाँ मेरा मतलब और कोई भी काम नहीं हो पाता था मेरे से। बहुत ट्रीटमेंट करवाया और न्यूरो में मैं गई तो मेरे को बहुत आराम मिला इस चीज़ से। आज मैं तो इनको अपना भगवान ही मानती हूँ कि उन्होंने मेरे को पैरों पे वापस खड़ा किया, इस लाइक बनाया कि मैं अपना और अपने बच्चों का और हर एक का मैं काम कर सकती हूँ। न्यूरोपैथी रोग निदान केंद्र से जुड़े लोगों ने बताया कि ये भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। इस पद्धति से बिना दवा या ऑपरेशन के लोगों का इलाज किया जाता है। न्यूरोथेरेपी है एक भारत की प्राचीन पद्धतियों पर आधारित है न्यूरोथेरेपी, जिसके फाउंडर इंडिया के ही थे। न्यूरोथेरेपी में टोटली प्रेशर पॉइंट द्वारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करके पर्टिकुलर जो डिजीज है वो किस ऑर्गन किस ग्लैंड से जुड़े उसको उकसाया जाता है, जिससे कि बीमारियां जड़ से ख़त्म होती हैं और किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी स्लिप डिस्क में लगभग सर्जरी करवानी पड़ती है, न्यूरोथेरेपी में स्लिप डिस्क के पेशेंट बिना सर्जरी के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उन्हें किसी प्रॉब्लम आगे भविष्य में आती भी नहीं। कुल मिलाकर न्यूरोपैथी एलोपैथी का विकल्प तो नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह के इलाज से अगर कुछ रोगों पर काबू पाया जा सकता है तो इससे बेहतर इलाज क्या होगा। ईटीवी भारत के लिए पाली से प्रवीण सिंह की रिपोर्ट।